जय हिंद फ्रेंड्स, मैं सौरभ झा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बीएसए टीके क्लासेस पे। आज हम लोग सभी प्रकार के कम्पिटेटिव एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक संख्या में बच्चे क्लास में उपस्थित होकर क्लास का लाभ उठा सकें। आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप क्लास में सारे सवालों के आंसर अवश्य क्या करें। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास और देखते हैं हमारा पहला सवाल। निम्नलिखित में से किसने अटलांटिक महासागर ओशियन तल का पहला वैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया है? ऑप्शन ए मैरी थारप, ऑप्शन बी एलिस विल्सन, ऑप्शन सी मोइरा डनबर, ऑप्शन डी फ्लोरेंस बॉस्कॉम। आंसर करेंगे अटलांटिक महासागर ओशियन तल का पहला वैज्ञानिक मानचित्र किनके द्वारा तैयार किया गया? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मैरी थारप। याद रखेंगे मैरी थारप ने अटलांटिक महासागर ओशियन तल का पहला वैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया। ठीक है, मैरी थारप ने अटलांटिक महासागर ओशियन तल का पहला वैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया है। आंसर ऑप्शन ए याद रखिएगा। अगला सवाल, IFFI 2022 में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर के रूप में किन्हें नामित किया गया है? इंपॉर्टेंट सवाल है, इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर के रूप में किन्हें चुना गया है? ऑप्शन ए शर्मिला टैगोर, ऑप्शन बी नसरुद्दीन शाह, ऑप्शन सी चिरंजीवी, ऑप्शन डी नागार्जुन। आंसर करेंगे तो सही आंसर होगा इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर के रूप में चिरंजीवी को चुना गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चिरंजीवी को चुना गया है। आंसर ऑप्शन सी याद रखेंगे। गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा शांति पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है? आंसर करेंगे गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा शांति पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए मलाला यूसुफजई, ऑप्शन बी दलाई लामा, ऑप्शन सी कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन डी बराक ओबामा। तो गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा शांति पुरस्कार से किनको सम्मानित किया गया है आपको बताना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दलाई लामा, ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दलाई लामा को। ठीक है, तो गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा शांति पुरस्कार किसे मिला? दलाई लामा, ऑप्शन नंबर बी। अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार हम लोग देख सकते हैं जो एग्जाम में आपका पूछ सकता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछेगा UNHRC नानसेन पुरस्कार 2022 किसको मिला? बताएंगे UNHCR नानसेन पुरस्कार 2022। ठीक है, एंजेला मार्केल को। इंपॉर्टेंट सवाल है एंजेला मार्केल को, एंजेला मार्केल। तो याद रखिएगा कि पूर्व जर्मनी चांसलर एंजेला मार्केल को एंजेला मार्केल को नानसेन पुरस्कार UNHRC नानसेन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल को अपने कार्यकाल के दौरान शरणार्थियों को शरण प्रदान करने के कारण UNHCR नानसेन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर याद रखना है कि नानसेन पुरस्कार 2022 एंजेला मार्केल को मिला है, जर्मनी की पूर्व चांसलर। ठीक है, अगला सवाल इंपॉर्टेंट बनेगा। यहां से पूछेगा सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसको मिला है 2022 का? सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार, सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 किनको मिला? तो आंसर करेंगे सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 किनको मिला? तो याद रखेंगे प्रोफेसर यूनकिंग टांग को, प्रोफेसर यूनकिंग टांग। ठीक है, प्रोफेसर यूनकिंग टांग को सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, याद रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला याद रखना है यहां से,
आपसे पूछ सकता है कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको हिलाल ए पाकिस्तान से सम्मानित किया गया। तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं बिल गेट्स, और बिल गेट्स को याद रखना है, बिल गेट्स को हिलाल ए पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, हिलाल ए पाकिस्तान। तो पूछेगा हिलाल ए पाकिस्तान से किसे सम्मानित किया गया, तो बिल गेट्स को हिलाल ए पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया गया, याद रखिएगा। एबल पुरस्कार 2022 किनको मिला है? एबल पुरस्कार आप जानते हैं मैथ के क्षेत्र में मिलता है, तो एबल पुरस्कार 2022 से किनको सम्मानित किया गया? एबल पुरस्कार 2022 किनको मिला है? तो नॉर्वे के गणितज्ञ हैं, ठीक है, मतलब नॉर्वे सरकार के द्वारा गणित के क्षेत्र में मिलता है एबल पुरस्कार। और यह एबल पुरस्कार किसको मिला है? डेनिस पार्नेल सुलिवन को, जो कि अमेरिकी गणितज्ञ हैं। तो आप याद रखेंगे, पूछेगा कि एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है, तो एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में मिलता है। एबल पुरस्कार नॉर्वे सरकार द्वारा गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। एबल पुरस्कार 2022 डेनिस पार्नेल सुलिवन को मिला है, और डेनिस पार्नेल सुलिवन अमेरिका के गणितज्ञ हैं। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, एबल पुरस्कार 2022 डेनिस पार्नेल सुलिवन को मिला है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल पूछ सकता है आपसे कि प्रित्जर पुरस्कार 2022 किसको मिला है, ठीक है, प्रित्जर पुरस्कार 2022 से किनको सम्मानित किया गया? प्रित्जर पुरस्कार 2022 से किनको सम्मानित किया गया? आपको पता होगा वास्तुकला यानी आर्किटेक्ट के क्षेत्र में जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो है प्रित्जर पुरस्कार, और प्रित्जर पुरस्कार मिला फ्रांसिस कैरे को। तो यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछेगा एग्जाम में कि प्रित्जर पुरस्कार 2022 किसको मिला, तो प्रित्जर पुरस्कार 2022 फ्रांसिस कैरे को मिला, और वास्तुकला का सर्वोच्च सम्मान होता है प्रित्जर पुरस्कार जो होता है वास्तुकला का सर्वोच्च पुरस्कार होता है, किसको मिला? फ्रांसिस कैरे को, याद रखेंगे। अगला सवाल पूछ सकता है रॉयल गोल्ड मेडल 2022 किसको मिला, सारा इंपॉर्टेंट सवाल है, रॉयल गोल्ड मेडल 2022 किनको मिला, ठीक है, बालकृष्ण दोषी को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट सवाल, रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किसको सम्मानित किया गया, तो बालकृष्ण दोषी को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया, याद रखेंगे, ठीक है। तो क्लास को फटाफट एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए, तो समझ में आ गया, गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा शांति पुरस्कार से किनको सम्मानित किया गया, ऑप्शन बी दलाई लामा। क्लास को फटाफट शेयर करेंगे, कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन बने, ऑप्शन ए नूर सुल्तान नजरबायेव, ऑप्शन बी आजाद पेरुसेव, ऑप्शन सी सेरिक सुल्तान गली, ऑप्शन डी कासिम जोमोट टोकायव। तो कजाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में किन्हें चुना गया, आपको बताना है। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में किन्हें चुना गया, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो कजाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में किन्हें चुना गया, तो कजाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया कासिम जोमार्ट टोकायव, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है, आंसर करेंगे नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सा रैंक प्रदान किया गया, ऑप्शन ए 60वां, ऑप्शन बी 61वां, ऑप्शन सी 58वां, ऑप्शन डी 50वां। तो आंसर करेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है, नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सा रैंक मिला। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 61वां स्थान, ठीक है, याद रखना है कि नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत को 61वां स्थान मिला, आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब यहां से कुछ सवाल और बन सकता है एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछेगा कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा रैंक मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है,
पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा रैंक मिला है? ठीक है, तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत को 180वां रैंक मिला है, काफी पीछे है भारत। तो याद रखना है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 180वां रैंक मिला है और इसमें डेनमार्क को पहला स्थान मिला है। ठीक है, और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा लॉन्च किया जाता है। याद रखेंगे, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत को 180वां स्थान मिला है, एक नंबर पे डेनमार्क है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी किया जाता है, याद रखेंगे। अगला सवाल यहां से आप याद रखिएगा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस सॉरी सूचकांक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा रैंक मिला है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का रैंक, ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का रैंक कितना है? 150। ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का रैंक क्या है? 150, याद रखेंगे। और एक नंबर में पूछेगा तो नॉर्वे, नॉर्वे जो है पहले नंबर पे है, इसको भी याद रखेगा। तो पूछ सकता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में पहला स्थान किसको है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में नॉर्वे को पहला स्थान मिला, भारत को 150वां स्थान मिला, याद रखेंगे। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट सवाल, विश्व खुशहाली सूचकांक, विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत का रैंक क्या है? विश्व खुशहाली सूचकांक, विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 जितना इंपॉर्टेंट है उसको थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में याद रखना है कि भारत को 136वां रैंक मिला है, भारत जो है 136वें रैंक पे है और फिनलैंड पहले नंबर पे है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है, विश्व खुशहाली सूचकांक, विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में फिनलैंड को पहला स्थान मिला है और भारत को 136वां स्थान दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, पूछता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, पूछ सकता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सा रैंक मिला है? तो 135वां रैंक मिला है भारत को। तो ये भी याद रखना है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत को 135वां स्थान मिला है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें आइसलैंड को पहला स्थान मिला है और भारत को 135वां रैंक। ठीक है, तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत को 135वां रैंक विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, याद रखिएगा। अगला जो इंपॉर्टेंट बनेगा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, तो आपको बताना है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को कौन सा रैंक मिला है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सा रैंक मिला है? तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत को 107वां स्थान मिला है। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत को 107वां स्थान मिला है, याद रखेंगे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत को 107वां रैंक मिला है, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 भारत 107वां रैंक, याद रखेंगे। ठीक है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान है बताएंगे? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा रैंक है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखिएगा कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत को 10वां रैंक मिला है। ठीक है, चलिए, तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसको आप याद रखिएगा कि नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सा रैंक मिला है? तो 61वां रैंक मिला है, आंसर ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। तो क्लास को फटाफट एक बार आप लोग शेयर कर दें, आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे। किस देश की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है? आंसर करेंगे, किस देश की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है? ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी डेनमार्क।
तो सही आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया देश की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है। तो ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है। याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है, ऑप्शन सी। भारतीय सेना द्वारा एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश किस राज्य में आयोजित किया गया? आंसर करेंगे भारतीय सेना द्वारा एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश किस राज्य में आयोजित किया गया? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इसका आंसर करें भारतीय सेना द्वारा एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो राजस्थान में किया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो भारतीय सेना द्वारा एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश का आयोजन राजस्थान में किया गया, ऑप्शन नंबर ए। किसे पाकिस्तान का नया सेना प्रमुख नामित किया गया? आपको बताना पाकिस्तान का नया सेना प्रमुख किसे नामित किया गया है? ऑप्शन ए लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर, ऑप्शन बी लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, ऑप्शन सी लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, ऑप्शन डी लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद। तो आंसर करेंगे किसे पाकिस्तान का नया सेना प्रमुख नामित किया गया है? तो पाकिस्तान का नया सेना प्रमुख किन्हें नामित किया गया है याद रखना है, ऑप्शन ए लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर। लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर को पाकिस्तान का नया सेना प्रमुख नामित किया गया है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा पाकिस्तान का नया सेना प्रमुख किन्हें नामित किया गया है, लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। तमिलनाडु के किस गांव को राज्य के पहले बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में अधिसूचित किया गया? आंसर करेंगे तमिलनाडु के किस गांव को राज्य के पहले बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में अधिसूचित किया गया है? ऑप्शन ए नवीनी पट्टी, ऑप्शन बी किलाव लावू, ऑप्शन सी अरिता पट्टी, ऑप्शन डी किदरी पट्टी। तो आंसर करेंगे तमिलनाडु के किस गांव को राज्य के पहले बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में अधिसूचित किया गया है। इंपॉर्टेंट सवाल है कि तमिलनाडु के किस गांव को राज्य का पहला बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में चुना गया है। तो आंसर इसका क्या होगा? आंसर ऑप्शन नंबर सी अरिता पट्टी, ऑप्शन सी अरिता पट्टी। तो याद रखेंगे तमिलनाडु के अरिता पट्टी गांव को पहला बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट चुना गया है तमिलनाडु का। तो तमिलनाडु का पहला बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट अरिता पट्टी, तमिलनाडु का पहला बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट अरिता पट्टी, ऑप्शन सी याद रखेंगे। सरगई महोत्सव किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? तो आपको बताना है सरगई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी बार पूछा भी गया है कि सरगई किस राज्य का प्रमुख फेस्टिवल है, आपको बताना है। ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी आसाम, ऑप्शन डी मणिपुर। तो आप जानते हैं कि सरगई महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है, आंसर ऑप्शन नंबर डी। सरगई फेस्टिवल कहां मनाया जाता है? तो याद रखना है कि सरगई फेस्टिवल मणिपुर में मनाया जाता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो सरगई फेस्टिवल कहां मनाया जाता है? तो सरगई फेस्टिवल मणिपुर में मनाया जाता है, याद रखेंगे। अब यहां से क्या क्या सवाल और बन सकता है आपका, मणिपुर में और कौन कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, याद है तो कमेंट करेंगे। सरगई फेस्टिवल याद रखना है मणिपुर में मनाया जाता है। अगर पूछे कचाई लेमन महोत्सव कहां मनाया जाता है, कचाई लेमन महोत्सव, ठीक है, तो याद रखना है कचाई लेमन महोत्सव भी मणिपुर में मनाया जाता है। कचाई लेमन महोत्सव कहां मनाया जाता है, मणिपुर में, याद रखेंगे। सिरुई लिली महोत्सव पूछेगा कहां मनाया जाता है, तो आप जानते हैं कि सिरुई लिली महोत्सव भी आपका मणिपुर में मनाया जाता है। ठीक है, सिरुई लिली महोत्सव कहां मनाया जाता है, तो सिरुई लिली महोत्सव भी मणिपुर में मनाया जाता है, याद रखेंगे सिरुई लिली महोत्सव भी मणिपुर में मनाया जाता है। ठीक है, कचाई लेमन महोत्सव मणिपुर, सिरुई लिली महोत्सव मणिपुर, याद रखिएगा। ठीक है, और इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मणिपुर संगाई महोत्सव मणिपुर। अब यहां से सवाल पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, पूछेगा आसाम में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, कमेंट कीजिएगा आसाम में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, आसाम में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो रंगोली बिहू महोत्सव आप जानते हैं कहां पे मनाया जाता है, आसाम में, याद रखना है। रंगोली बिहू महोत्सव कहां मनाया जाता है, आसाम में। आंबुबाची मेला कहां लगता है, तो आसाम में। आंबुबाची मेला कहां लगता है, आसाम में, याद रखिएगा। बैखो त्यौहार कहां मनाया जाता है, तो आसाम में मनाया जाता है बैखो त्यौहार, आंबुबाची मेला, याद रखेंगे। ठीक है, तो क्लास को फटाफट शेयर कीजिएगा।
कम्बाला महोत्सव पूछेगा, कम्बाला महोत्सव तो याद रखना है, कम्बाला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, कर्नाटक में मनाया जाता है कम्बाला महोत्सव, ठीक है। कम्बाला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, कर्नाटक में कम्बाला महोत्सव मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो क्लास को फटाफट एक बार शेयर कीजिएगा। अगर आपसे पूछेगा लोसार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, लोसार महोत्सव इंपॉर्टेंट है, लोसार याद रखना है, लद्दाख में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, लोसार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, लद्दाख में मनाया जाता है लोसार महोत्सव। अगर पूछेगा कि चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, मेघालय में। तो याद रखना है कि चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मेघालय में मनाया जाता है, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा, डोल यात्रा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है डोल यात्रा। पूछेगा डोल यात्रा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, डोल यात्रा, तो याद रखना है कि वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है डोल यात्रा त्यौहार। कहाँ मनाया जाता है, वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है डोल यात्रा त्यौहार। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा सरगई महोत्सव, मणिपुर राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है। तो क्लास को फटाफट शेयर करेंगे। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है, आंसर करेंगे राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है। ऑप्शन ए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन बी मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, ऑप्शन सी रसायन और उर्वरक मंत्रालय, ऑप्शन डी ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो इस सवाल का आंसर करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है। तो राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से संबंधित है, आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार किससे संबंधित है, तो मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से संबंधित है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, आंसर ऑप्शन नंबर बी। कौन सा शहर इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2022 का मेजबान है, आंसर करेंगे कौन सा शहर इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2022 का मेजबान है। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी मुंबई। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, आंसर करेंगे कि कौन सा शहर इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2022 का मेजबान है, तो सही आंसर होगा दिल्ली। याद रखेंगे इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2022 का मेजबान शहर है दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए। अब यहां से भी कुछ सवाल आपका पूछ सकता है, जो भी राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है, ठीक है, वहां से आपका सवाल एग्जाम में बन सकता है। जैसे पूछ सकता है कि 12वां डिफेंस एक्सपो का आयोजन कहां किया गया, 12वां डिफेंस एक्सपो का आयोजन कहां किया गया, तो गुजरात के गांधीनगर में, याद रखना है 12वां डिफेंस एक्सपो का आयोजन कहां किया गया, गुजरात गांधीनगर, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा गांधीनगर गुजरात, 12वां डिफेंस एक्सपो का आयोजन कहां किया गया, गुजरात के गांधीनगर में 12वां डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया, याद रखेंगे। अगला पूछ सकता है, ये तो समझ में आ गया, अगला याद रखना यहां से इंपॉर्टेंट होगा, इंडिया आइडियाज समिट 2022 का आयोजन कहां किया गया, नई दिल्ली में इंडिया आइडियाज समिट 2022 का आयोजन किया गया, याद रखिएगा। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन, याद रखेंगे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2022, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां किया गया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2022 का आयोजन सूरत गुजरात में किया गया, ठीक है। पूछ सकता है ये सवाल कि अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां किया गया, तो याद रखना है सूरत गुजरात में। अगला सवाल पूछ सकता है राज्य पर्यटन मंत्रियों का सम्मेलन कहां पे हुआ, राज्य पर्यटन मंत्रियों का, ठीक है, राष्ट्रीय सम्मेलन या फिर राज्य पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पे हुआ, ये आपको बताना है, इंपॉर्टेंट सवाल है। पूछेगा कि राज्य पर्यटन मंत्रियों का सम्मेलन 2022 कहां पे हुआ, तो धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में, कहां पे, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको याद रखिएगा, पूछेगा एग्जाम में कि राज्य पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पे आयोजित हुआ, तो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आयोजित हुआ, ऑप्शन नंबर जो भी दिया रहेगा वो लिख दीजिएगा, ठीक है। अगला यहां से याद रखिएगा, पूछेगा कि भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया, तो भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन का आयोजन बेंगलुरु में किया गया, याद रखिएगा, पूछ सकता है, ठीक है। विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन कहां किया गया, विंग्स इंडिया 2022 बताएंगे, विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन कहां किया गया,
तो विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, तो याद रखना हैदराबाद तेलंगाना में विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, हैदराबाद तेलंगाना में विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन किया गया, याद रखेंगे। एक सवाल और लिखिएगा नई दिल्ली से, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव, ठीक है, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2022 का आयोजन, ठीक है, ये याद रखिएगा, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, दिल्ली में, याद रखिएगा, ठीक है। एक और सवाल लिखेंगे, इंडिया ग्लोबल फोरम का आयोजन कहाँ किया गया, इंडिया ग्लोबल फोरम का आयोजन कहाँ किया गया, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप बताएंगे, इंडिया ग्लोबल फोरम का आयोजन कहाँ किया गया 2022, इंडिया ग्लोबल फोरम 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, तो याद रखिएगा बंगलुरु में, ठीक है, इंडिया ग्लोबल फोरम 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, बंगलुरु में, इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला पूछ सकता है, 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ, 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस, 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ, 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन, 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन, 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ, पुणे महाराष्ट्र, ठीक है, 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ, पुणे महाराष्ट्र में, याद रखेंगे पुणे महाराष्ट्र, 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ, पुणे महाराष्ट्र, याद रखेंगे, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर याद रखिएगा कि कौन सा शहर इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2022 का मेजबान है, ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। तो क्लास को फटाफट एक बार आप लोग शेयर करें, आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, कौन सा देश 2023 के पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स वीक की मेजबानी करेगा, ठीक है, पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स वीक की मेजबानी कौन सा देश करेगा, ऑप्शन नंबर ए जापान, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी इटली। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आंसर कर दें इसका, तो सही आंसर हो जाएगा सिंगापुर, ठीक है, याद रखना है 2023 में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स वीक की मेजबानी करेगा सिंगापुर, पहले 2023 में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स वीक की मेजबानी करेगा सिंगापुर, ऑप्शन सी याद रखेंगे। अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आप लिखिए जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपसे पूछेगा कि G20 शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबान देश कौन है, G20 शिखर सम्मेलन 2022, तो आपसे पूछेगा G20 2022 का आयोजन कहां पे किया गया, G20 2022 का आयोजन किया गया इंडोनेशिया में, कहां, इंडोनेशिया, ठीक है, G20 2022 का आयोजन कहां किया गया, इंडोनेशिया में, याद रखेंगे G20 2022 का आयोजन इंडोनेशिया में। अगला पूछेगा अगर G20 2021 का आयोजन कहां किया गया, G20 2021 का आयोजन कहां किया गया आप बताएंगे, तो G20 2021 का आयोजन किया गया रोम में, रोम इटली, ठीक है, 16वां जी ट्वेंटी 2021 का आयोजन किया रोम इटली में, और 17वां G20 शिखर सम्मेलन 2022 इंडोनेशिया में हुआ। अगर पूछेगा 18वां G20 इंपॉर्टेंट है, 18वां G20 शिखर सम्मेलन, 18वां G20 सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां होगा, तो भारत में, समझ में आया, तो इंपॉर्टेंट है ये जितना लिख रहे हैं, तो 17वां G20 शिखर सम्मेलन 2022 इंडोनेशिया में हुआ, 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 भारत में, और उसके बाद याद रखना 19वां G20 सम्मेलन 2024 कहां होगा, ब्राजील में, ठीक है, 2024 कहां होगा, ब्राजील में, तो याद रखना है 19वां G20 सम्मेलन 2024 ब्राजील में होगा, ठीक। और आप जानते हैं कि G20 का स्थापना कब हुआ था, तो 1999 में हुआ था, याद रखिएगा। अगला यहां से क्या सवाल बन सकता है, ठीक है, G20 का स्थापना 1999 में हुआ था, कुल 19 देश है और EU है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन है, ठीक है, तो टोटल 20 हो गया, तो ये समझ में आ गया। अब आपसे पूछ सकता है कॉप का, पूछ सकता है कि COP27 का आयोजन कहाँ हुआ, COP27 सम्मेलन 2022 कहाँ पे हुआ, तो याद रखना है COP27 मिस्र में हुआ, मिस्र के कहां पे, तो मिस्र के शर्म अल शेख में, तो ये इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा, मिस्र के शर्म अल शेख में COP27 सम्मेलन 2022 का आयोजन, पूछेगा COP27 सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां हुआ, तो मिस्र होगा यहां पे,
मिस्र देश के, याद रखना है कि मिस्र देश के शर्म अल शेख शहर में COP27 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ। अगला अगर 21 का पूछ दे तो आप आंसर क्या करेंगे, COP26 का आयोजन 2021 में हुआ था, ठीक है। तो COP26 का आयोजन हुआ था ग्लासगो में, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे COP26 का आयोजन कहाँ हुआ था, ग्लासगो में ये 2021 में, ठीक है, ग्लासगो में COP26 का आयोजन हुआ था। तो अगर पूछे COP26 का आयोजन ग्लासगो में हुआ था, COP27 का आयोजन पूछेगा तो मिस्र के शर्मल शेख में हुआ। अगला पूछेगा COP28 का, COP27 बहुत इंपॉर्टेंट है, COP28 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। COP28 सम्मेलन कहाँ पे होगा 2023 का, COP28 सम्मेलन तो याद रखना है COP28 सम्मेलन UAE में होगा, ठीक है, UAE में होगा, समझ में आया। तो COP26 ग्लासगो में हुआ, COP27 मिस्र के शर्मल शेख शहर में, और COP28 2023 UAE में होगा, याद रखेंगे। अगला यहां से इंपॉर्टेंट सवाल क्या बन सकता है, आपसे पूछ सकता है कि 22वां SCO शिखर सम्मेलन कहां पे आयोजित हुआ, 22वां SCO शिखर सम्मेलन, ठीक है। तो 22वां एससीओ शिखर सम्मेलन उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ, कहां पे हुआ, उज्बेकिस्तान के समरकंद में, तो इसको भी याद रखिएगा, उज्बेकिस्तान के समरकंद में, ठीक है। तो 22वां एससीओ शिखर सम्मेलन कहां हुआ, तो 22वां एससीओ शिखर सम्मेलन 2022 22वां एससीओ शिखर सम्मेलन 2022 उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित किया गया। अगला पूछेगा 23वां एससीओ शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन, 23वां एससीओ शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन पूछेगा कहां पे होगा, तो भारत में, ठीक है। 23वां एससीओ शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कौन करेगा, तो याद रखना है भारत, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। और एससीओ का स्थापना कब हुआ, तो याद रखना है एससीओ का स्थापना 2001 में हुआ, और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, बीजिंग में है। एससीओ का हेडक्वार्टर कहां पे है, बीजिंग में है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसके अलावा ब्रिक्स से भी बहुत सारा सवाल बनता है आपका, पूछ सकता है कि 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां पे हुआ, 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 कहां पे हुआ, 14वां ब्रिक्स सम्मेलन 2022 कहां हुआ, चीन में, याद रखेंगे, पूछेगा 14वां ब्रिक्स सम्मेलन 2022 कहां हुआ, चीन में, ठीक है। 14वां ब्रिक्स सम्मेलन 2022 कहां हुआ, चीन में, याद रखिएगा। और अगर पूछ दे कि 15वां ब्रिक्स सम्मेलन कहां पे होगा, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 कहां पे होगा, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023, तो फटाफट आंसर करेंगे, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पे होगा, तो दक्षिण अफ्रीका, जितना लिखा है सारा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए रिवीजन करेंगे, इसलिए लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि याद होना चाहिए, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। तो 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में, और 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन चीन में, याद रखिएगा। और आप जानते हैं ब्रिक्स का स्थापना कब हुआ था, 2009 में हुआ था, है ना, ब्रिक्स का स्थापना 2009 में हुआ था, और ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहां पे है, संघाई, चीन, याद रखेंगे। तो क्लास को फटाफट शेयर कीजिएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा 2023 में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स वीक की मेजबानी करेगा सिंगापुर, ऑप्शन नंबर सी। तो क्लास को फटाफट शेयर करें, आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग क्लास को सपोर्ट क्या करें। गुरु तेग बहादुर का शहादत दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, गुरु तेग बहादुर का शहादत दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना है। गुरु तेग बहादुर आप जानते हैं सिखों के कितने नंबर के गुरु थे, 9वें गुरु थे, याद रखना है कि सिखों के 9th गुरु थे गुरु तेग बहादुर, सिखों के नौवें गुरु थे, क्रम पूछेगा तो सिखों के 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, और गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब के द्वारा करवा दिया गया था। तो सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने करवा दिया था। और गुरु तेग बहादुर शहादत दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना है, ये सवाल पूछ सकता है इनकी हत्या, तो याद रखिए, ये तो हत्या लिख लीजिएगा, औरंगजेब द्वारा, ठीक है। तो गुरु तेग बहादुर जी का शहादत दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना है 24 नवंबर, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो सिखों के 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब द्वारा करवा दी गई थी, और गुरु तेग बहादुर शहादत दिवस 24 नवंबर को मनाया जाता है, याद रखना है, गुरु तेग बहादुर शहादत दिवस 24 नवंबर को मनाया जाता है। एक और सवाल पूछता है कि सिखों के 5वें गुरु कौन थे, आपको पता होगा सिखों के 5वें गुरु थे अर्जुन देव, सिखों के 5वें गुरु थे अर्जुन देव, अर्जुन देव की हत्या किसने करवा दी थी, तो याद रखेंगे अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने करवा दी थी। पूछेगा कि सिखों के 5वें गुरु कौन थे, गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की थी,
गुरु अर्जुन देव ने हरमिंदर साहिब का निर्माण करवाया था और गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने करवा दी थी, याद रखेंगे। ठीक है, इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो क्लास को फटाफट आप लोग शेयर कीजिए, आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे। भारत की ओर से किसे संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से किनको सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए पूर्णिमा देवी बर्मन, ऑप्शन बी सुनीता नारायण, ऑप्शन सी जादव पायेंग, ऑप्शन डी वंदना शिवा। तो फटाफट इस सवाल का आंसर करेंगे, संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से किनको सम्मानित किया गया? कितने बच्चे यहाँ पे झारखंड से है कमेंट कीजिएगा, रांची, धनबाद, बोकारो, जामताड़ा, पलामू, कोडरमा, दुमका, देवघर, कितने बच्चे इधर से हैं आप लोग फटाफट एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा और क्लास के बीच में जब टाइम मिले तो कमेंट कीजिएगा। इस सवाल का आंसर क्या होगा आपको बताना है, पूर्णिमा देवी वर्मन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो याद रखेंगे संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से किनको सम्मानित किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया पूर्णिमा देवी वर्मन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से किनको सम्मानित किया गया? पूर्णिमा देवी वर्मन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं, किस स्टार फुटबॉलर ने मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ दी है? आपको बताना है कौन से ऐसे स्टार फुटबॉलर हैं जिन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ दी है। एकदम आसान सवाल है, ऑप्शन ए जादोन मलिक सांचो, ऑप्शन बी मार्कस रेशफोर्ड, ऑप्शन सी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन डी एंथोनी मार्शल। तो आंसर क्या होगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ दी है, आंसर ऑप्शन सी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के फुटबॉलर है यह आप कमेंट कर दीजिएगा, आंसर ऑप्शन सी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगला सवाल, प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रेस्टीजियस डॉक्टर कलाम सेवा अवार्ड किनको मिला है? प्रेस्टीजियस डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार किनको मिला है? ऑप्शन ए रितेश अग्रवाल, ऑप्शन बी कविता शुक्ला, ऑप्शन सी तिलक मेहता, ऑप्शन डी रवि कुमार सागर। तो आपका सही आंसर क्या होगा, रवि कुमार सागर। तो याद रखेंगे प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किए गए रवि कुमार सागर, आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार किसको मिला? तो प्रेस्टीजियस डॉक्टर कलाम सेवा अवार्ड रवि कुमार सागर को मिला, आंसर ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। ठीक है, तो रवि कुमार सागर को प्रेस्टीजियस डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार, ऑप्शन डी। सारंग भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में भारतीय दूतावास द्वारा किया गया? तो आपको बताना है सारंग भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में भारतीय दूतावास द्वारा किया गया? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी सिंगापुर। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखेंगे सारंग भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी। तो याद रखेंगे सारंग भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन दक्षिण कोरिया में किया गया, सारंग भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन साउथ कोरिया में किया गया, ऑप्शन नंबर बी। ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या है? आंसर करेंगे ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या है? ऑप्शन ए नागरिकों उद्योग और सरकार को करीब लाना, ऑप्शन बी संपूर्ण सरकार में डिजिटल शासन, ऑप्शन सी ई गवर्नेंस की भूमिका, ऑप्शन डी शासन और नागरिकों को करीब लाना। तो ई गवर्नेंस पर 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या है आपको बताना है। तो यहां से आंसर क्या होगा, ई गवर्नेंस पर 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या है? नागरिकों उद्योग और सरकार को करीब लाना, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय है, ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय है नागरिकों उद्योग और सरकार को करीब लाना, आंसर ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। साहित्य के क्षेत्र में जेसीबी पुरस्कार 2022 से किनको सम्मानित किया गया? तो इंपॉर्टेंट सवाल है, आंसर करेंगे कि साहित्य के क्षेत्र में जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2021-2022 से, ठीक है, साहित्य का जेसीबी पुरस्कार 2022 से किनको सम्मानित किया गया आपको बताना है। ठीक है, अगर 21 का पूछेगा तो क्या आंसर होगा, जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2021, दोनों बता दीजिए आप। जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2021 का अगर पूछेगा तो आप जानते हैं जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2021 किसको मिला था, तो एम मुकुंदन को मिला था, एम मुकुंदन, ठीक है, एम मुकुंदन को मिला था जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2021। और जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2022 से किनको सम्मानित किया गया, तो खालिद जावेद को।
आंसर होंगे ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा कि जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2021 मिला था एम मुकुंदन को और जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किए गए हैं खालिद जावेद। आंसर ऑप्शन सी, खालिद जावेद को साहित्य का जेसीबी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। प्रतिष्ठित सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया? तो आपको बताना है प्रेस्टीजियस सुमित्रा चरत राम अवार्ड किनको मिला? तो प्रतिष्ठित सुमित्रा चरत राम पुरस्कार ऑप्शन ए सारस्वती सेन, ऑप्शन बी पाली चंद्रा, ऑप्शन सी शर्म भाटी, ऑप्शन डी उमा शर्मा। तो सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो याद रखना है प्रतिष्ठित सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया उमा शर्मा को। आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो याद रखिएगा उमा शर्मा सही आंसर होगा, उमा शर्मा को प्रतिष्ठित सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया ऑप्शन डी। फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए 27 नवंबर, ऑप्शन बी 29 नवंबर, ऑप्शन सी 30 नवंबर, ऑप्शन डी 25 नवंबर। तो याद रखिएगा 29 नवंबर ऑप्शन नंबर बी। 29 नवंबर को फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 29 नवंबर को फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। मोना लोआ दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में स्थित है? अब ये तो जीके का भी क्वेश्चन हो गया। आपको बताना है मोना लोआ आप जानते हैं जो कि बहुत ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। तो आप जानते हैं हवाई द्वीप में है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा कि मोना लोआ दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है या हवाई राज्य में स्थित है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो कितने लोग यहां पे बिहार से हैं फटाफट आप लोग क्लास में कमेंट कीजिएगा, मधुबनी क्लास को सपोर्ट कीजिएगा, मधुबनी दरभंगा ठीक है, पूर्णिया आरा गया ठीक है, और भी जो आपका जो शहर है कहां पे आप लोग हैं पटना वगैरह से कौन कौन से हैं, तो क्लास को आप लोग सपोर्ट कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। इस सवाल का आंसर क्या होगा, दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मोना लोआ संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई राज्य में स्थित है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया? दुनिया का पहला नोजल कोविड वैक्सीन ठीक है, पहला नोजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी द्वारा बनाया गया? ऑप्शन ए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी जॉनसन एंड जॉनसन, ऑप्शन सी भारत बायोटेक, ऑप्शन डी फाइजर। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा भारत बायोटेक के द्वारा दुनिया का पहला नोजल कोविड वैक्सीन बनाया गया। याद रखेंगे दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन ठीक है, भारत का एक कंपनी है जिसने बनाया है भारत बायोटेक। तो याद रखेंगे दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी ने विकसित किया, तो दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन भारत बायोटेक के द्वारा विकसित किया गया ऑप्शन सी। किस कंपनी ने श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च पैड विकसित किया? इंपॉर्टेंट सवाल है, किस कंपनी ने श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में आप जानते हैं, तो श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च पैड किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया? ऑप्शन ए स्काई रूट एरोस्पेस लिमिटेड, ऑप्शन बी ध्रुव अंतरिक्ष, ऑप्शन सी बेलाट्रिक्स एरोस्पेस, ऑप्शन डी अग्निकुल कॉस्मोस। तो सही आंसर क्या होगा, अग्निकुल कॉस्मोस ठीक है, अग्निकुल कॉस्मोस ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। तो इसको भी याद रखिएगा कि अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी ने श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च पैड विकसित किया ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। भारत सरकार ने किस पद के लिए विनय मोहन कात्रा का कार्यकाल बढ़ाया है? आपको बताना है ठीक है, विनय मोहन कात्रा का कार्यकाल किस पद के लिए बढ़ाया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका में भारतीय राजदूत, ऑप्शन बी विदेश सचिव, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, ऑप्शन डी विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता और संयुक्त सचिव। तो आंसर होगा विदेश सचिव ठीक है, विदेश सचिव के पद के लिए विनय मोहन कात्रा का कार्यकाल बढ़ाया गया। तो विदेश सचिव के पद के लिए विनय मोहन कात्रा का कार्यकाल बढ़ाया गया ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे।
सातवां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का थीम क्या है? आंसर करेंगे व्हाट इज द थीम ऑफ द सेवेंथ ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट। सेवेंथ ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट का थीम क्या है? ऑप्शन ए प्रौद्योगिकी की भू राजनीति, ऑप्शन बी प्रौद्योगिकी के लिए आज के विचार, ऑप्शन सी प्रौद्योगिकी और इसका भू राजनीतिक महत्व, ऑप्शन डी प्रौद्योगिकी और वर्तमान समय में इसका प्रभाव। तो सातवां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का थीम आपको बताना है। तो याद रखेंगे आंसर क्या हो जाएगा इसका, सातवां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का थीम क्या था? तो याद रखना है प्रौद्योगिकी की भू राजनीति आंसर हो जाएगा, जियोपॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो सातवां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का थीम क्या है? जियोपॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन सा शहर 59वें एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन महासभा 2022 की मेजबानी कर रहा है? आपको बताना है कौन सा शहर 59वां एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन महासभा 2022 का मेजबानी कर रहा है। ऑप्शन ए बीजिंग, ऑप्शन बी टोक्यो, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी बैंकॉक। तो आपका सही आंसर क्या होगा, नई दिल्ली, ऑप्शन सी। तो याद रखेंगे 59वां एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन महासभा 2022 का मेजबानी कहां हुआ, नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी। अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बन गया? तो सारा इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे पूछेगा कि अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो सही आंसर क्या होगा आप बताएंगे, याद रखना है गुजरात। अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बना है गुजरात। याद रखना है कि गुजरात के सभी जिलों में जियो 5G पहुंच गया है, तो अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य बना गुजरात, ऑप्शन नंबर बी। किस देश के राष्ट्रपति को भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस 2023 समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया? तो आंसर करेंगे किस देश के राष्ट्रपति को भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस 2023 समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया? ऑप्शन ए मिस्र, ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी मालदीव। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है, तो याद रखना है मिस्र। ठीक है, मिस्र के राष्ट्रपति को भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस 2023 में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है, ऑप्शन ए मिस्र। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनने वाली है? ऑप्शन ए कर्णम मलेश्वरी, ऑप्शन बी अंजू बॉबी जॉर्ज, ऑप्शन सी एमडी वलसम्मा, ऑप्शन डी पीटी उषा। अब ये जो क्वेश्चन है बहुत सारे एग्जाम में पूछेगा, तो इसको जरूर याद रखिएगा। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष पूछेगा, तो याद रखना है पीटी उषा। ठीक है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष पीटी उषा, ऑप्शन डी। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष पीटी उषा, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष पीटी उषा, याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है। किस राज्य को स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा प्राप्त होगा? इंपॉर्टेंट सवाल है, किस राज्य को स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा प्राप्त होगा? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो किस राज्य को स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा प्राप्त होगा? तो याद रखना है तेलंगाना, तेलंगाना को स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा प्राप्त होगा। भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा तेलंगाना को स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा प्राप्त होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो क्लास को फटाफट एक बार आप लोग शेयर कीजिए, आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे। भारत ने 2022 में किस देश के शीर्ष पर्यटन बाजार के रूप में बढ़त बनाई हुई है? तो 2022 में किस देश के शीर्ष पर्यटन बाजार के रूप में बढ़त बनाई हुई है? ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी मालदीव, ऑप्शन डी सिंगापुर। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, आंसर करेंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बताएं, ऑप्शन सी मालदीव। ठीक है, भारत ने 2022 में मालदीव के शीर्ष पर्यटन बाजार के रूप में बढ़त बनाई है, आंसर मालदीव, ऑप्शन सी।
एरो इंडिया 2023 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? ठीक है, तो आंसर करेंगे एरो इंडिया 2023 का आयोजन किस शहर में होगा? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी दिल्ली। तो एरो इंडिया 2023 का आयोजन बेंगलुरु में होगा, आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो याद रखेंगे एरो इंडिया 2023 का आयोजन बेंगलुरु, एरो इंडिया 2023 का आयोजन बेंगलुरु में होगा, ऑप्शन नंबर ए। T20 मैच के दौरान सबसे बड़ी दर्शकों की उपस्थिति के लिए किस क्रिकेट शासी निकाय ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ठीक है, तो आंसर करें, इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, T20 मैच के दौरान सबसे बड़ी दर्शकों की उपस्थिति के लिए किस क्रिकेट शासी निकाय ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन ए इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड क्रिकेट, ऑप्शन सी क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी बीसीसीआई। तो इसका आंसर कौन नहीं बता पाएगा बताइए? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड होगा आंसर, बीसीसीआई। तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। तो T20 मैच के दौरान सबसे बड़ी दर्शकों की उपस्थिति के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम किसने दर्ज कराया है? तो बीसीसीआई, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, ऑप्शन नंबर डी। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? आंसर करेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 24 नवंबर, ऑप्शन बी 20 नवंबर, ऑप्शन सी 25 नवंबर, ऑप्शन डी 30 नवंबर। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे 25 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 25 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा। आंसर ऑप्शन सी। अगर आपसे पूछे विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, बताएंगे विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई। तो अगर पूछे विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर पूछे विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बताएंगे विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखेंगे। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, विश्व विरासत दिवस, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर आपसे पूछेगा पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखेंगे। विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है, 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 इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है 24 मार्च, 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है, 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 नवंबर, आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो क्लास को फटाफट एक बार आप लोग शेयर करें, आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे। अनवर इब्राहिम किस देश के प्रधानमंत्री बने? आंसर करना है अनवर इब्राहिम किस देश के प्रधानमंत्री बने? ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी वियतनाम, ऑप्शन डी सिंगापुर। तो फटाफट आंसर करेंगे अनवर इब्राहिम किस देश के प्रधानमंत्री बने? ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? अनवर इब्राहिम मलेशिया के प्रधानमंत्री बने, आंसर ऑप्शन नंबर ए। याद रखना है अनवर इब्राहिम किस देश के प्रधानमंत्री बने? अनवर इब्राहिम मलेशिया के प्रधानमंत्री बने, ऑप्शन ए। किस बैंक ने भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड लॉन्च किया? तो आपको याद रखना है कि पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड किसने लॉन्च किया? ऑप्शन ए भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन बी IDFC फर्स्ट बैंक, ऑप्शन सी HDFC बैंक, ऑप्शन डी कोटक महिंद्रा बैंक। तो बताएंगे भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड किसने लॉन्च किया? तो भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड लॉन्च किया है IDFC फर्स्ट बैंक ने। तो कुल मिलाकर याद रखना है कि IDFC फर्स्ट बैंक ने पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड लॉन्च किया, IDFC फर्स्ट बैंक ने पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड लॉन्च किया। तो भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड लॉन्च किया है IDFC फर्स्ट बैंक, ऑप्शन नंबर बी। वन्य जीव शिखर सम्मेलन में किस
कछुआ प्रजाति के संरक्षण के लिए भारत के प्रस्ताव को अपनाया गया है? बताएंगे वन्य जीव शिखर सम्मेलन ने किस कछुआ प्रजाति के संरक्षण के लिए भारत के प्रस्ताव को अपनाया है? ऑप्शन ए ग्रीन समुद्री कछुआ, ऑप्शन बी लेदर बैक समुद्री कछुआ, ऑप्शन सी पेंटेड कछुआ, ऑप्शन डी लीथ सॉफ्ट सेल कछुआ। इंपॉर्टेंट सवाल है, आंसर क्या होगा? लीथ सॉफ्ट सेल कछुआ। याद रखेंगे वन्य जीव सम्मेलन ने लीथ सॉफ्ट सेल कछुआ के संरक्षण के लिए भारत के प्रस्ताव को अपनाया है। कुल मिला के आपको याद कर रखना है कि लीथ सॉफ्ट सेल कछुआ के प्रजाति लिफ्ट याद रखना है लीथ सॉफ्ट सेल कछुआ प्रजाति के संरक्षण का जो प्रस्ताव है उसको अपनाया है वन्य जीव शिखर सम्मेलन में। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है लीथ सॉफ्ट सेल कछुआ, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा फुटबॉलर 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाला पहला खिलाड़ी बन गया? कौन सा फुटबॉलर 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? ऑप्शन ए लियोनल मेसी, ऑप्शन बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन सी एंटोनी, ऑप्शन डी नेमार। तो कौन सा फुटबॉलर 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाला पहला खिलाड़ी बन गया? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन नंबर बी। तो याद रखेंगे 5 वर्ल्ड कप में, फीफा वर्ल्ड कप में, ठीक है, 5 फुटबॉल वर्ल्ड कप में गोल करने वाला पहला खिलाड़ी कौन बन गया? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किस राज्य में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर और रूरल कलेक्शन सेंटर का उद्घाटन किया गया है? आपको बताना है किस राज्य में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर और रूरल कलेक्शन सेंटर का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी आसाम। तो सही आंसर क्या होगा? त्रिपुरा। याद रखेंगे पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर और रूरल कलेक्शन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? त्रिपुरा में। तो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर और रूरल कलेक्शन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? त्रिपुरा में। आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर और रूरल कलेक्शन सेंटर का उद्घाटन त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर ए। यूक्रेन भारत अफ्रीका हैकथॉन का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में किया गया? आंसर करेंगे यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकथॉन का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में किया गया? ऑप्शन ए लखनऊ विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी बनारस विश्वविद्यालय। तो याद रखेंगे यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकथॉन वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश? तो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकथॉन का आयोजन गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में किया गया। याद रखेंगे यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकथॉन का आयोजन उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में किया गया। आंसर ऑप्शन सी। अब ये आंसर है। ठीक है, तो इतना ही सवाल था। उम्मीद करेंगे आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट था, तो आप लोग क्लास को ध्यान से देखे होंगे, और जो बच्चे बाद में ऑफलाइन देखते हैं आप सभी से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि क्लास में आप लोग सारे सवालों के आंसर क्या करें और क्लास में रेगुलर रहें। किसी भी टॉपिक में या किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो आप लोग कमेंट अवश्य कीजिएगा। किसी भी तरह का सजेशन देना हो तो वो भी आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं आप सभी से अगले क्लास में। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय बीएसए। धन्यवाद।